Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start topic number 8 of general knowledge, and that is animal sounds. Now I'll start. The pictures of some animals and the words for their cries are given below. Study each picture and remember the cries of animals. यहाँ पर देखिए आपको कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और नीचे उसके वर्ड्स लिखे हैं क्राइस के जो आपको याद रखने हैं. नाउ फर्स्ट इज देखिए फर्स्ट पिक्चर किसका है. यस डॉग. तो यहाँ पे क्या आएगा आपको नोटबुक में लिखना है इसलिए आप इस तरह लिखेंगे. नंबर 1 देके अ डॉग बार्क्स. उसके क्राइस को क्या कहते हैं बार्क्स. लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. ये पिक्चर किसका है. यस काउ. तो काउ के क्राइस को क्या कहते हैं मूस. तो आप क्या लिखेंगे नोटबुक में नंबर 2 देके अ काउस मूस. थर्ड पिक्चर देखिए किसका है. लायन का. तो यहाँ पे आपको नोटबुक में नंबर 3 देके लिखना है अ लायन रॉड्स. उसके क्राइ को क्या कहते हैं रॉड्स. नेक्स्ट पिक्चर देखिए पिक्चर नंबर 4 गॉट का है और उसके क्राइ को कहते हैं ब्लीड्स. तो आप क्या सेंटेंस लिखेंगे नंबर 4 में अ गॉट ब्लीड्स. फिफ्थ जो पिक्चर है वो है फ्रॉग का. तो उसके क्राइ को कहते हैं क्रॉक्स. तो हम नोटबुक में नंबर 5 देके लिखेंगे अ फ्रॉग क्रॉक्स. नेक्स्ट पिक्चर है वो पिक्चर है डोंकी का. नंबर 6 लिख के हम लिखेंगे अ डोंकी ब्रेस. यहाँ पे क्या आएगा ब्रेस. नाउ वी विल सी पिक्चर नंबर 7. देखिए किसका है. यस मंकी. तो मंकी के क्राइस को क्या कहते हैं चैटर्स. तो यहाँ पे आपको लिखना है अ मंकी चैटर्स. 8th पिक्चर देखिए पिक्चर है हॉर्स का. यहाँ पे आएगा अ हॉर्स नीस. 9th पिक्चर है माउस का. यहाँ पे उसके क्राइ को कहते हैं स्क्वीक्स. तो यहाँ पे आएगा अ माउस स्क्वीक्स. पिक्चर नंबर 10 है कैट का और कैट के क्राइ को क्या कहते हैं म्यूज. अ कैट म्यूज. 11th नंबर का जो पिक्चर है वो देखिए. यस पिक्चर है एलिफेंट का. एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स. यहाँ पे आएगा ट्रम्पेट्स. पिक्चर नंबर 12 देखिए हनी बी का है. तो यहाँ पे आपको 12 देख के नोटबुक में क्या लिखना है अ हनी बी होम्स. उसके क्राइ को कहते हैं होम्स. नाउ वी विल सी पिक्चर नंबर 13. पिक्चर है डव का और उसके क्राइ को कहते हैं कूज. अ डव कूज. 14th पिक्चर देखिए किसका है. यस स्पैरो. तो नोटबुक में नंबर 14 देख के आपको लिखना है अ स्पैरो चिर्प्स. 15th पिक्चर देखिए क्रो का है और उसके क्राइ को कहते हैं कॉस. 15th में आपको लिखना है अ क्रो काउंस. 16th है डक. तो यहाँ पर उसके क्राइ को कहते हैं क्वैक्स. 16th लिख के आपको लिखना है अ डक क्वैक्स. 17th पिक्चर है कॉक का. तो यहाँ पे आपको नोटबुक में 17 दे के लिखना है अ कॉक क्रोस. पिक्चर नंबर 18 है आउल का. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एन आउल हुड्स. उसके क्राइ को क्या कहते हैं हुड्स. पिक्चर नंबर 19 कुको का पिक्चर है. अब यहाँ पे उसके क्राइ को कहते हैं कॉल्स. अ कुको कॉल्स. नंबर 20 पिक्चर देखिए किसका है. यस एज वी ऑल नो ये पिक्चर है पिकॉक का. अब पिकॉक के क्राइ को कहते हैं स्क्रीम्स. तो यहाँ पे आएगा अ पिकॉक स्क्रीम्स. एंड द लास्ट पिक्चर इज ये पिक्चर है लैपविंग का. तो उसके क्राइ को कहते हैं ट्वीट्स. तो यहाँ पे हमें लिखना है अ लैपविंग ट्वीट्स. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक. क्वेश्चन इज द नेम्स ऑफ एनिमल्स आर गिवन इन कॉलम ए एंड नेम्स ऑफ देयर क्राइज आर गिवन इन कॉलम बी. मैच द कॉलम्स ए एंड बी बाय राइटिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉलम बी. अब देखिए कॉलम ए है उसमें हमें एनिमल्स के नेम्स दिए गए हैं और कॉलम बी में उसके क्राइज. तो हमें कॉलम ए का आंसर करेक्टली फील करना है आंसर के बॉक्स में कॉलम बी में से देखकर. फर्स्ट है अ काउ. तो यहाँ पे काउ के आंसर में क्या आएगा मूस. तो यहाँ पे देखिए कॉलम बी में लास्ट में है वो यहाँ पे आंसर आएगा.
सेकंड है हॉर्स, तो उसके क्राइस को कहते हैं नीस, तो यहाँ पे हमें लिखना है नीस। थर्ड एनिमल है अ कॉक, तो उसके क्राइस को क्या कहते हैं हमने अभी देखा, क्रॉस, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्रॉस। एंड द लास्ट इज हनी बी, तो उसके क्राइस को क्या कहते हैं, हम्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा हम्स। आज हमने टॉपिक नंबर 1 देखा एनिमल साउंड्स, जो आपको नोटबुक में भी कंप्लीट कर लेना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।